हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शाम की छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नाश्ता, सभी को पसंद आती है मैक्रोनी पास्ता। घर पे ही बहुत ही आसान तरीक़े से मैं पास्ता बनाना दिखाऊंगी। इससे यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास्ते बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है पास्ता। पास्ता आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हो, टेस्ट इसका एक जैसा ही होता है, तो मैंने इस शेप का ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पास्ता ले लिया है और इसको उबलते हुए पानी में इसको उबालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 चम्मच में तेल डालूंगी, छोटा चम्मच डाला है। तो इसको अच्छी तरह से मिला देना है। आप अगर नमक नहीं डालते हो तो जो पास्ता बनता है उसमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, फीका सा लगता है। नमक को स्किप नहीं करना है। इसके बाद पानी उबल चुका है, इसमें मैं पास्ता डाल दूंगी और डालने के बाद अच्छी तरह से हिला देना है ताकि जो पास्ता है वो नीचे से चिपके नहीं, और इसको 8 से 9 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर मेरे 9 मिनट हो चुके हैं, तो इसको मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पास्ता अच्छी तरह से पक चुका है और इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद मैं एक छन्नी में छान लूँगी, पानी को अलग कर लेना है और ऊपर से हमें नॉर्मल पानी डाल देना है ताकि जो पास्ता है और पके नहीं इसकी गर्माहट की वजह से। तो मैं सारे पास्ते को धो लूँगी अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो पास्ते हैं बहुत ही अच्छे खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो अच्छी तरह से 2-3 बार इसे पानी के ऊपर से डालना है और धो लेना है। तो इसको मैं साइड कर दूँगी। इसके बाद मैं ले लूँगी पैन, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हो। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देना है ऑयल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, तो आप चाहे तो सरसों का भी यूज़ कर सकते हो और चाहे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हिला देना है। इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 1 ले लिया है, इसको अच्छी तरह से काट लिया है बारीक बारीक करके। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हिला देना है और 1 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर टमाटर थोड़े से पक चुके हैं, इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च काट के डाल दी है। इसके बाद डालना है मसाले। तो मसालों में ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालना है। पहले भी नमक डाला है तो इसलिए थोड़ा सा कम डालना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं डालूँगी टमाटर सॉस। तो यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस ले लिया है 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं ले लूँगी ऑर्गेनो। ऑर्गेनो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हो। और उसके बाद हमें डाल देना है पास्ता। तो पास्ता यहाँ पर मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पास्ता तो बहुत बार बनाया होगा आपने, लेकिन इस तरह से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट में मैं डालूँगी एक ज़रूरी चीज़। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मेयोनीज ले लिया है और तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पर मैंने लास्ट में डाला है चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, और आपके पास अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसके बदले में आप थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना अच्छा और टेस्टी जो पास्ता है बनके तैयार है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।